में वो क्या नाम संजीवनी का, आप बताइए संजीवनी के अंदर क्या इनकी मॉरल ड्यूटी नहीं है क्या आगे आकर के उनकी इमदाद करे, लाख डेढ़ लाख लोगों की, गरीबों को उनका हक दिलवाए, पैसा दिलवाए, क्या इनकी ड्यूटी नहीं है क्या बताइए आप। नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, गलती क्या करी वो तो जान के विषय, ऐसा ही जाना वो जाना है। हमने कभी इंटरव्यू नहीं किया पूरे केस के अंदर, मैं कभी बोला भी नहीं हूँ। जब मुझसे मिले तीन बार, आंखों में आंसू आ गए, उनके भी हमारे भी आ गए, तब जाके मैंने पहली बार कमेंट किया मालूम करके भाई क्या मामला है। तब मालूम पड़ा भाई ये लोग सब आरोपी भी हैं, इन्होंने इस प्रकार दे 65 लोग उसके अंदर है आरोपी। तब मैंने बोलना शुरू किया और वो इसलिए न्याय दिलाने के लिए आज मैं कहना चाहता हूँ। आज फिर मेरी पेशी है अभी उसी केस को लेकर जिन्होंने कर रखा है, आज 5-6 बार पेशी होगी दोपहर को, ठीक है वो हम भुगतेंगे, हम जेल जाने के तैयार हैं। अगर गरीबों का पैसा मिलता हो 1 लाख लोगों, 1.5 लाख लोगों का पैसा दिलवाओ, इसके लिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, चाहे बीजेपी के चाहे कांग्रेस के हैं, सब आगे आना चाहिए। इनके प्राइम मिनिस्टर को आगे आना चाहिए, मैंने उनको लड़ने लिखा है कि आप कर क्या रहे हैं। ये केंद्रीय मंत्री आपका है, केंद्रीय मंत्री का स्कैंडल सामने आ रहा है, क्या आप उनको कहेंगे नहीं कुछ भी। इनकी पार्टी लोगों को चाहिए इनको समझाए, समझाइश करे, इनको कोई तकलीफ है मुझे मुझसे बात करे। अगर मान लीजिए वो सहयोग करते हैं हम लोगों को, सरकार को, हमारी कोई आवश्यकता है, हम मिलके बात करें कैसे इनको पैसा मिल सकता है, टेक्निकल कोई डिफिकल्टी आ रही हो हम वो हल करें। ये काम ऐसा जो कि राजनीति हटके होना चाहिए, मैंने कोई दुर्भावना से मैंने नहीं कहा उनके ऊपर अटैक किया, उनको लगता है वो अलग बात, लगेगा ही, पर मेरी उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं, किसी के प्रति नहीं। मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर किसी के प्रति दुर्भावना रखी नहीं है, तो मैं उनके ऊपर खिलाफ क्यों रखूँगा। पर अगर मान लो मैं मुख्यमंत्री हूँ, गृहमंत्री भी हूँ, मुझे आगे गृहमंत्री के रूप में लोग कहेंगे, पीड़ा बताएंगे, क्या मेरी ड्यूटी नहीं है क्या कि मैं उन पीड़ा को सुनूँ भी और बात भी करूँ भी, क्या मामला आगे कैसे बढ़ रहा, क्यों इनको न्याय कैसे मिल सकता है, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा कोई इसमें, आप देख रहे हो मैं कितना, तो मैंने कोई कैंपेन किया हो संभाग में जाकर के, राजस्थान में जाकर के इसके खिलाफ, में मैंने संजीव को लेकर कोई कैंपेन चलाया हो, राजस्थान में कहीं पर गया हूँ मैं, बता दिए मेरे को, खाली मैं बोल इतना हूँ। उसमें ये लोग आगे नहीं आ रहे हैं मदद करने के लिए, बताइए आप कितना गरीब की जो तकलीफ है ना, वही बेचारा मान रहा है, वही भुगत रहा है, 5 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़, बताइए आप क्या होगा। ये मेरी शिकायत है इनसे। मुख्यमंत्री जी, आप पीएम को पत्र लिखने की बात कह चुके हो, लिखा गया सर, ज्योति मिर्जा ने बीजेपी ज्वाइन किया सर, पत्र लिख रहे हैं सर, जो पत्र लिख रहे हैं सर, ज्योति मिर्जा ने बीजेपी ज्वाइन किया, उन्होंने सार्वजनिक मंच पर बोला है कि मेरे दादा को कभी सम्मान नहीं मिला कांग्रेस में, नाथूराम जी मिर्जा, पता नहीं मुझे, मैंने पता नहीं किस संदर्भ में कहा होगा। तो चिरंजीवी योजना को लेकर सरकार, केंद्र सरकार बौखलाहट में है, कहीं कहीं जो बात डेरा डाला चले। आपने सुना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जोधपुर दौरे पर पहुंचे हैं और एयरपोर्ट के बाहर मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा, बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं को बेअसर बताया, तो वहीं राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर बात की, किस तरह से राज्य सरकार की योजनाओं से आम जन को राहत मिल रही है। और चले आगे बढ़ते हैं, झुंझुनू में एसएस मोदी स्कूल एक बार फिर शिक्षा विभाग के आदेशों को ठेंगा दिखाते